फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और अभी बज रहे दोपहर के 1:30 और मैंने बनाया है फ्राइड राइस और अचार। ये मिर्ची का अचार है और ये मूवी आ रही है कंचना 2, जो कि मेरी बहुत फेवरेट मूवी है। हम डेली मैक्स चैनल ज़्यादा देखते हैं। हम ज़्यादातर मैक्स चैनल देखते हैं क्योंकि इस पे हमेशा कंचना वाली मूवी इस टाइम आती रहती है। तो ये है निशु, हाय फ्रेंड्स करने के लिए परेशान है। आप लोग हाय कर लो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। ओके, ठीक है। ये है निशु, कैमरे में सही से नहीं आ रहा है। तो मेरा जो है लंच कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीज़ें कल का जो मेरा ब्लॉग है, तो जैसे मैं बात करना शुरू करती हूँ पीछे से आके मम्मा हर बात में करने लगता है। तो छोड़िए वो सब चीज़ें। और कल जो है मैंने आपसे सारी चीज़ें जो है शेयर नहीं की थी, सारी चीज़ें आपको जो है मैं नहीं दिखा पाई थी। तो कुछ चीज़ें जो है मेरी रह गई थी जो मैं आपको शेयर कर मतलब दिखा देना चाहती हूँ। जो मेरा ये फाइनली रोज़ है वो इस तरीके से आया है बन के, ये देख सकते हैं। और बीच में कैंडल है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये भी मैंने आपसे शेयर किया था, ये भी देख सकते हैं। और ये सारी ये बैंगल्स है, ये बीच में बैंगल्स है और ये लेस है। और ये एक किंडर जॉय का डब्बा है। और किंडर जॉय का जो ऊपर का हिस्सा जब मैंने काटा था तो ये गोल सा ऐसा कुछ निकला था, तो इसको मैंने हाफ हाफ कटिंग करके यहाँ पे चिपका दिया था। और एक ये जूरा पिन है बीच में, आप देख सकते हैं। और कुछ भी जो है इसमें मैंने बाहर का नहीं यूज़ किया है, सब कुछ मैंने घर का यूज़ किया है। क्या हुआ? तो जो भी है वेट, जो घर में जो जितनी भी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं उनसे चीज़ें बनाइए। मेरा माइंड जो है डिस्टर्ब हो गया, इधर उधर हो गया। जो मैं कंटिन्यू बात करती हूँ बीच में मुझे अगर ये टोक देता है तो मैं बातें भूल जाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि वेस्ट चीज़ें जितनी भी होती हैं आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। ग्राफ्ट आइटम जो होते हैं बहुत सस्ते मिलते हैं और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। 10-10 रुपए के पैकेट मिरर मिलते हैं, फॉर्म शीट 10 रुपए के मिलते हैं और 15 रुपए का आपका कलर आता है। एक्रेलिक कलर जो होते हैं बहुत सस्ते आते हैं। और एक मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये मेरे पास बहुत 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 पुराना ब्रेसलेट पड़ा हुआ था, इसके अंदर लोहे का ब्रेसलेट था तो वो बिल्कुल जंग खा गया था, जंग लग गया था इसमें। और तो ये किसी काम का नहीं था, ऐसे फेंका पड़ा था। तो देखिए मैंने इसको रिसाइकल कैसे किया है। मैंने इस पर गोल्डन कलर का धागा पहले इस पर लपेटा, आप अंदर से दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ये इस तरीके से बिल्कुल ये लोहे का ब्रेसलेट था, इस सिल्वर, ये देखिए, आई होप पता चल रहा होगा आपको। तो ये जो है लोहे का सिल्वर था, तो इस पर मैंने पहले धागा लपेटा था और उसके बाद मैंने इस तरीके का डिज़ाइन किया है। तो ये कितना खूबसूरत ब्रेसलेट आया है और आप यकीन नहीं करेंगे, इसका वेट जो है आधा किलो से ज़्यादा हो चुका है, बहुत हैवी। इसमें जब वर्क हो के आता है ना, तो एक तो ये अंदर से पहले ऑलरेडी लोहा था और इसमें जब वर्क हुआ तो ये बहुत हैवी होगा। बट ये प्रिटी कितना लग रहा है, आप ये देखिए। मैंने इस तरीके से इस ब्रेसलेट को कस्टमाइज किया है, मतलब डिज़ाइनिंग किया है, ये देखिए, ताकि इसका जो है लुक ब्रेसलेट का ही आए। और ये देखिए, ये जब पहन कर आएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा, ये देखिए। तो क्या आप सब इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने लिए कुछ चीज़ें नहीं बना सकते हैं? जितना टाइम आप फालतू चीज़ों में देते हैं, किसी से बातें करने में और ये सब चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने के बजाय आप अपने घर को सजा सकते हैं, आप अपने घर के लिए चीज़ें बना सकते हैं, आप अपने लिए चीज़ें बना सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप वर्किंग के अलावा, घर के काम के अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लिए, अपने घर के लिए। तो इस दिवाली मेरी रिक्वेस्ट है और कि आप सब अपने प्यार से सजाइए, क्योंकि जो खुद मार्केट से तो देखो हर कोई चीज़ें खरीद के लाता है, उसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप गए चीज़ें खरीद, पैसा दिया, चीज़ें खरीद के लेके आ गए, लेकिन जो खुद से बनाते हैं, जो खुशी मिलती है उस खुश, जब उसकी कोई तारीफ़ करता है तो वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि कोई तारीफ़ कर रहा है, ठीक है।
और ये जो है मैं दिखा देती हूँ आपको। और ये मिट्टी का जो है ये प्लेट मुझे 20 रुपीज़ का मिला था और दिए 20 रुपीज़ का 25 पीस आ गए थे। तो एक दिया मैंने इस तरीके से बनाया है डेकोरेट करके। ये भी देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है, 4 दियों के साथ एक ये। तो आप सब सोच सकते हैं जब ये हमारे घर में सजेगा और इनमें जब दिए जलेंगे। एक्चुअली मैं जला के नहीं दिखा सकती आपको, अगर ये मैं प्रॉपर अपने लिए बनाती तो मैं ज़रूर इनको आपको जला के दिखाती, लेकिन मैं इनको जला के नहीं दिखा सकती क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। तो इन वो मेहनत जो है मैं वेस्ट नहीं जाने देना चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे इनको सेल आउट करना है और जिसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रही हूँ। इस तरीके का टी लाइट ऑनलाइन बहुत सस्ते मिल जाते हैं आपको। तो इस तरीके का टी लाइट आप देख सकते हैं कि कितना प्रिटी लग रहा है। और ऐसी ऐसी चीज़ें क्या आप अपने, ये बहुत सस्ता ऑनलाइन मिल जाता है, बहुत सस्ता, 200 रुपये, 220 का ये आपको 12 पीस 6 पीस ऐसे मिलता है। और एक ये देखिए फॉर्म सीट, मैंने फॉर्म सीट से ये पिंजरा बनाया है, कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं। अगर मैंने इनको और डेकोरेट किया तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। और दिवाली के दिन अगर मैंने इन्हें कहीं लगाने के लिए इसमें टी लाइट लगा दिया तो ये और भी कितना प्रिटी लगेगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो क्या आप इस छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को नहीं सजा सकते? ये 20 रुपीज़ का पिंजरा जो है बिल्कुल रेडी है। दो पिंजरे मैं दिखाती थोड़ा सा आपको लाइट ऑफ करके। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। कहीं पे भी इस पिंजरे को आप लटका दीजिए, कुछ भी नहीं किया मैंने। एक येलो स्पार्कल शीट लिया है और एक ग्रीन सी ग्रीन कलर का मैंने फॉर्म शीट लिया है और उनको बस कटिंग करके मैंने इस तरीके से बनाया है। तो क्या आप इस दिवाली इन सब चीज़ों से अपने घर को नहीं सजाना चाहेंगे? तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो फ्रेंड्स, कोई मेरे चीज़ों को ख़राब बोलता है मेरे कमेंट्स में आके कि सब बकवास है, सब बेकार है। छोड़ बेटा, सब बकवास है, सब बेकार है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। देखो मैं अपना जो काम है ना उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं किसी किसी भी ऐसे पर्सन पे फोकस नहीं करना चाहती जिसकी वजह से मेरा माइंड अलग हो। और ये एक ये है इयररिंग्स, ये जो कि मेरा बहुत पुराना इयररिंग्स है और कैसे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना पुराना है, जंग लग गया है। तो इस ये जो है लोहे का है तो इस पर कोई और कलर जो है नहीं चढ़ता, तो मैंने इस पर ग्लास वाला जो कलर आता है उससे किया है। आप ये देख सकते हैं ये रिसाइकल होके कितना प्यारा लग रहा है। अगर मैंने इनके बीच में अगर स्टोन वगैरह से वर्क कर दिया तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, कुछ भी मैंने नहीं किया है मेरे, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये मेरा बेडरूम है, इसमें कोई नहीं आता, कोई सोता नहीं, हम सब लिविंग रूम में ही रहते हैं और हम उसमें ही टीवी है तो हम उसमें ही सो जाते हैं। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, पता ही है आप सबको ये क्या है। ये कोल्ड ड्रिंक का बोतल है और इस पे मैंने ग्लू स्टिक से डिज़ाइन किया है, उसके बाद ब्लैक कलर किया है, एक्रोलिक कलर किया है, उसके बाद गोल्डन पेंट मारा, गोल्डन एक्रोलिक कलर से इस पे पेंट मारा, तो इस तरीके से आया है। आप इसमें एक ट्रे के अंदर सेट करके आप इसमें बिस्किट नमकीन भी तरह से आप सेट कर सकते हैं। अगर एक मैंने ये छोटा बनाया है, ये भी आप बहुत देख सकते हैं, बहुत प्रिटी लग रहा है। तो इसमें भी हम कुछ रख सकते हैं या फिर हम इसमें टी लाइट भी जला सकते हैं। कैसे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं बड़े वाले में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, तो बस मैं एक आइडिया दे रही हूँ, मैं DIY करके आपको अभी नहीं कुछ दिखा रही हूँ। और DIY भी मैंने आपको काफ़ी दिखाया है, ये न्यूज़पेपर से मैंने बनाया है। हालांकि इतना ये मैंने पहली बार बनाया है, इतना खिल के नहीं आया लेकिन इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने मेरे वीडियो में जो कमेंट्स किया है मेरे चैनल पर कि सब बेकार है, सब बकवास है, तो फ्रेंड्स मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ उसमें लेके चलो, उसमें लेके चलो। और CD वगैरह मैंने आपको कल शेयर कर दिया था। और एक चीज़ मैं आपको और शेयर कर देना चाहती हूँ, पुरानी चीज़ों से आप जितना घर को सजाओगे ना उतना ही ज़्यादा आपको प्यारा सब कुछ लगेगा। हाँ बेटा रखो, तो ठीक है और छोड़ो, ठीक है। आज मैं आपसे चीज़ें शेयर करके आपको एक समझाने के तौर पे बता रही हूँ ताकि आपको मेरी बातों से एक अगर आइडिया मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये एक कार्डबोर्ड था जिसपे मैंने,
तो मैं जो है आइडिया के लिए बता रही हूँ। तो ये कार्डबोर्ड है, इस पे कलर पेपर है, आप देख सकते हैं। और इस पे एक ये गणेश जी की मूर्ति है जिसे मैंने अच्छी तरीके से डेकोरेट किया, आप देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ स्टोन वगैरह लगाया है, स्टोन चैन वगैरह लगाया है। और ये दिखा देना चाहती हूँ मैं आपको, ये जो है ये न्यूज़पेपर से मैंने राउंड राउंड बनाया है। तो इस तरीके से टी लाइट अगर आप रखते हो गणेश जी के पास तो कितना अच्छा लगता है। ये मैंने पॉम पॉम यहाँ पे चिपका दिया है, ये मैंने गोल्डन चेन लगा दिया है यहाँ पे, और ये माचिस की डिब्बी मैंने नीचे उसको पहले कलर पेपर से कर दिया है। और लेस वगैरह इजली मार्केट में इस तरीके का मिल जाता है। और नीचे का ये देखिए कार्डबोर्ड है, ये मेरे पास कार्डबोर्ड के टुकड़े पड़े थे तो मैं इसे इसे बना दिया है। तो क्या आप इन सब चीज़ों से अपने घर को नहीं सजाना चाहते हैं? ठीक है, बहुत इजी और सिंपल है, कुछ भी नहीं करना करना है आपको। ये देखिए ये कोल्ड ड्रिंक का बोतल कितना खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं। मैंने कल इस पे लाइट रख के नहीं दिखाया था और आज मैं इस पे टी लाइट रख के दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इस तरीके से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये कैंडल। अगर आपके घर में इस तरीके से ये मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके से अगर ये घर में सजेगा इस तरीके से, तो ये क्या आपके घर में ये सारी चीज़ें खूबसूरत नहीं लगेगी? फ्रेंड्स ज़रूर लगेगी। और एक देखिए ये मैं बना रही हूँ, और ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो इस पे भी मैं टी लाइट जो है रख के दिखा देती हूँ आपको अच्छी तरीके से। देखिए किसी भी चीज़ पे आप ये टी लाइट जो है लगाएंगे ना, ये देखिए लग रहा है ना खूबसूरत, ये कितने खूबसूरत खूबसूरत कैंडल स्टैंड है। ये देखिए मैंने कल आपको इसको आधा अधूरा दिखाया था, तो ये जो बॉक्स है ये बन के इस तरीके से आएगा। और इसमें मैंने मेरे हस्बैंड ने पैसे रख के गए हैं, तो ये पैसे रख दिया है उन्होंने कुछ, तो किसी भी तौर पे आप इस बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अपने ईयरिंग्स वगैरह रख सकते हैं और अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं। कोई भी चीज़ें फेंकने से पहले एक बार सोच लीजिए कि वो किस तरीके से यूज़ हो सकता है, तो वेस्ट चीज़ें जो है ज़्यादा यूज़ में आ जाती है बजाय मार्केट से ख़रीदने की। अब इसमें देखिए मैंने मनी भी रख दी है, चाहे तो मैं इसमें अपना ज्वेलरी भी रख सकती हूँ। और ये कलर शीट इतना सस्ता आता है मार्केट में, और ये कुछ भी नहीं है, लेस है सस्ता सा बस। और ये आपको पता है ट्रॉपिकाना जूस का डब्बा है, बहुत इजी है ये सारी चीज़ें। एक मैं ये कार्डबोर्ड काटा है मैंने इस तरीके से, तो एक ये मैंने कार्डबोर्ड काटा है, इस पे मैंने कलर पेपर चिपकाया है। तो इस पे भी मैं कुछ ना कुछ अभी सोच रही हूँ कि मुझे क्या बनाना है और क्या क्या इसका करना है। और ये सारे मेरे जो दिए हैं इस तरीके से रेडी हो चुके हैं, ये देख सकते हो आप। ये देखिए इन दियों को भी मैंने कलर कर दिया है, क्योंकि मैं इनको और डेकोरेट करने वाली हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल दिख रहे थे तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। ये ग्रीन और गोल्डन का शेड दिया है मैंने, तो मैंने इन सारे दियों को कलर किया है ताकि मैं कर सकूँ। इसे मैंने ऑरेंज और गोल्डन शेड दिया है, और अंदर से ये इस तरीके से दिख रहा है और बाहर से ये ऐसे दिख रहा है। तो ये इन पे मैं कुछ ना कुछ अभी डिज़ाइन करूँगी। और ये देख सकते हैं ये मिट्टी के दिए हैं जिनको मैंने पहले कलर किया है, उसके बाद मैंने ये मार्केट में 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ का इजी जो है मिल जाता है ये वाले स्टोन ग्राफ्ट की शॉप पे आराम से। ठीक है, एक दिया मैंने ये बनाया है। तो आप इन सब चीज़ों से अपने घर को सजा सकते हैं। और एक ये उस दिन जो बोतल मैं रेडी कर रही थी, तो इस तरीके से मैंने इसे इस पर पेंट किया है। अभी नीचे मुझे यहाँ पे डेकोरेट करना है, और यहाँ पे मैंने बनाया है कुछ ब्लैक मेटल डिज़ाइन। इसके अंदर मुझे डालना है लाइट, ये आप देख सकते हैं ये थीम है गांव का। यहाँ पे एक पेड़ है, और यहाँ पे एक किसान है, और यहाँ पे पौधा है, कुछ पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं इसमें। तो इस तरीके का ये थीम है, और आपको मैंने पहले भी दिखाया था ये नमक का जार जो है मैं बना रही हूँ। एक जार जो है मैंने आपको पहले भी इसे बना के दिखाया था, ये वाला ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ था ये वाला जार बनाने के लिए। ये अचार का जार है, ये वाला अचार का जार है। तो इसके अंदर जो है मैंने आराम से एक डिज़ाइन का शीट चिपका दिया था, और ऊपर से मैंने आउटलाइनर से पहले आउटलाइन किया, उसके बाद इजली मैंने ग्लास कलर इसमें भर दिया, तो ये बिल्कुल कितना खूबसूरत आया आप देख सकते हैं।
आई होप कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने अंदर पूरा ग्लास कलर येलो कर दिया था, और इसके अंदर मैं आपको लाइट जला के दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप अगर ऐसी ऐसी चीज़ों के अंदर टी लाइट जलाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत आएगा। ये देखिए, अगर लाइट ऑफ करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा, है ना। सजा सकते हैं ना आप भी अपने घर को इस तरीके से। ज़रूरी है मार्केट में पैसा वेस्ट करना? नहीं ज़रूरी है ना। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती है, और ये सारी चीज़ें सबके घर में होती है, सबके घर में होती है। और आप सबको पता है ये एप्पी की बोतल है, ये मैंने नमक का जार बनाया है, सबको पता है कि ये सब चीज़ें होती हैं। ये देखिए जैम का जार, मैंने एक भी चीज़ें फेंकती नहीं हूँ कि कौन सी चीज़ें कब काम आ जाए। अब ये मेरा एक कार्टून का बॉक्स है, जो कि इसे मैंने आज निकाला है। इसलिए निकाला है क्योंकि इसमें मेरे ग्राफ्ट के जो बहुत सारे आइटम जो इसमें मेरे ग्राफ्ट के पड़े हुए थे, मैं मार्केट जा रही थी, बट मेरी मुझे ध्यान आ गया कि मेरा एक ग्राफ्ट का बॉक्स जो है, मैंने उसे स्टोर करके यहाँ पे जब घर शिफ्ट कर रही थी तो मैंने कहीं रख दिया था, वो मुझे आज ही ध्यान आया। तो फिर मैंने इसे निकाला तो मैंने देखा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पार्कल है, मिरर है, और लेसेस वगैरह हैं, बहुत सारे ग्राफ्ट के इसमें मेरे आइटम हैं। और सबसे ज़्यादा प्रिटी जो मुझे लगता है ये वाला लगता है, इस तरीके का हैंगिंग। तो इसमें जो है एम्ब्रॉयडरी ताकि काफ़ी अच्छी खिल कर आ रही है, तो इसमें जो टी लाइट जलेगा वो बहुत प्रिटी लगेगा। तो मैं इसमें भी आपको एक बार टी लाइट दिखा देती हूँ। आई होप फ्रेंड्स अब सबके घर में ये सारी चीज़ें होगी, सबके घर में। मैं नहीं मानती कि किसी के घर में ये सब चीज़ें नहीं होती, जैम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सबके घर में यूज होती है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ग्लास कलर मुश्किल से 60 रुपये का 6 कलर आते हैं। अगर आपको 12 कलर के या 10 कलर के 90 रुपीस के आते हैं, तो ये 6 कलर वाला आप ला सकते हैं इजली। ये देखिए कितना प्रिटी लग रहा है, कहीं पे भी आप इसे हैंग कर दीजिए, कहीं पे भी। ये देखिए, आप चाहे तो इसका धागा लंबा कर सकते हैं, बट मैंने छोटा ही रखा है। आप चाहे तो इसका धागा लंबा कर सकते हैं, और सिंपल हूँ, सिंपल आपको जो चीज़ें बताऊँगी रियलिटी बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। और घर का जो बजट होता है, जो चीज़ें होती है, हालांकि अगर मुझे मैं अपने घर के दिवाली के लिए भी सारी चीज़ें खुद बनाऊंगी, और दिए से लेके जितनी भी डेकोरेटिव चीज़ें होंगी वो सब मैं भी अपने घर के लिए खुद ही बनाऊंगी। ये सारी चीज़ें मुझे सेल के लिए बनानी थी, इस मैंने बहुत मेहनत करी है, बट अपने घर को भी मैं इन्हीं सब चीज़ों से सजाऊंगी, इन्हीं दियों से सजाऊंगी, और अपने घर के लिए भी मैं दिया वगैरह रेडी करूंगी। तो अभी दिवाली में थोड़ा सा टाइम है, तो अभी मुझे पहले मेरा स्टॉल ज़रूरी है, तो पहले मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं अपनी दिवाली पे कैसे चीज़ें बनाऊँगी, लटकन वगैरह घर के दरवाजे के लिए, तोरण वगैरह, और शुभ लाभ हो गया, और आपके गणपति जी, लक्ष्मी गणेश जी हो गए, वो सारी चीज़ें जो है मैं घर पे बनाऊंगी। तो आई होप कि आपको मेरी सारी चीज़ें पसंद आ रही होगी, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर एक बार बोल रही हूँ, आप सबके घर में ये सारी वेस्ट चीज़ें जो है पड़ी होती हैं, प्लीज़ मार्केट में पैसा वेस्ट मत करिए, और छोटी छोटी आइटम से आप अपने घर को डेकोरेट करिए, ग्राफ्ट आइडियाज़ जो है बनाइए, DIY करिए। अगर आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, तो अपने दिवाली पे हर कोई किसी को गिफ्ट देना चाहता है, छोटी छोटी चीज़ों से आप खुद उनको गिफ्ट करिए, कार्ड वगैरह हो गया, खुद घर पे बनाइए, तो उनको वो जो मार्केट की जो फीलिंग आती है ना, उससे ज़्यादा अच्छी आपके हाथ की फीलिंग आएगी, और ये मेरा पूरा उम्मीद है। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। अगर आप लाइक करते हो मेरे वीडियो को, तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा है। थैंक यू फ्रेंड्स।